इतिहास गवाह है कि लोगों की पत्नी परेशान करती, इतिहास गवाह है। और एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और आज देख सकते हैं कि अच्छी खासी धूप निकली हुई है और छत पे तेजस है। तेजस को लगाया गया है कपड़ा फैलाने के लिए, और ये तनबंधन से कर लगे हुए हैं कपड़ा फैलाने में। बहुत दिनों बाद धूप देखने को मिल रहा है, यहाँ तक कि पति देव भी काम पे जुटे हुए हैं। आपको दिखा सकते हैं, नीचे ये देखिए, ये पकड़ लो, तुम ही पकड़ लो ना। इतने कपड़े धुल दिए ना कि कपड़े फैलाने में भी सबकी नरक हो रही है। मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा कैमरे पे। अरे यार जल्दी करो, यहाँ देख सकते हैं पड़ोसी मेरे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, वो देखो। ये जो साल ओढ़ी हुई है ना, इनकी मेरी दुश्मनी चलती है। थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा। तो उधर 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 जो सामने पिंक वाला घर देख रहे हैं ना, इनकी मेरी दुश्मनी चलती है अच्छी खासी। और जो हम कह चाहते हैं वो ये कभी नहीं करती हैं, मगर फिर भी हम वही करते हैं जो ये नहीं चाहती हैं। मतलब हम लोगों की अच्छी खासी दुश्मनी चलती है, पर अगर पड़ोसी हो दुश्मन ना हो तो बेकार है अच्छे पड़ोसी का। रश्मि भाभी अभी थोड़ी देर में तुम देख लो, तुमको सोशल मीडिया बदनाम करने की साजिश रचे हैं हम। ये हमारी मोहल्ले की सुंदरा क्या है, सुंदरा है कह रहे हैं, ये मेरे मोहल्ले की सुंदरा। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, इन लोग का दो देवर भौजाई वाला रिश्ता चलता है और मेरे पति देव को उनसे प्यार हो चुका है। कह रहे हाय दैया का कह दी कंदर भी आया क्या? अरे वो तो वीडियो में देखिए तो मारिए हमका दौड़ाए दौड़ाए के। ये क्या चल रहा है भाई? कोई दिक्कत नहीं, कंदर भी अभी संतोष कर लिए। अच्छा आंटी को, आंटी तो कर तुम जबरदस्ती ले ली थे। सही बात है, सही बात है। तो सोच रही कि उनके ऊपर बोझ ना पड़े, बगल में आंटी को देख रही है तो कह रही है आंटी को वीडियो में ले लो सृष्टि और मुझे बख्श दो। मगर जानते हैं आप मेरा नेचर को कि मैं किसी को बख्शती नहीं हूँ, तो ये सब मजाक चलता रहता है। तो यहाँ पे सब पड़ोसियों के साथ एंजॉय करते हुए, ये बाहर पड़ोसी नहीं है, इनको अगर पड़ोसी कहा जाए तो बेकार है, ये फैमिली ही हैं। और पड़ोसी सबसे ज़्यादा फैमिली की चीज़ें होती हैं, इसलिए क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपकी एक बार फैमिली कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगी, तो फैमिली के लोगों को पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर पड़ोसी तुरंत पहुँचेगा। तो इसलिए हमेशा पड़ोसियों से बना के रखनी चाहिए। भाई मैं तो बना के रखती हूँ, आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोग अपने पड़ोसी बना के रखते हैं कि नहीं। और किराएदार देख लो मेरा, देख लो ये मेरे घर में रहते हैं, ये नंगे लुच्चे रहते हैं, इनको वीडियो पे लेना बड़ा मुश्किल काम है। कोई जानता भी नहीं होगा कि मेरे घर में दो मूसल चंडल लौंडे रहते हैं। पति देव उनकी इज्जत बचाते हुए कैमरे के सामने देख लो, इज्जत बता लो त्रिवेणी की, ये बहुत होनहार है। इनको हम जल्दी कैमरे पे लाएंगे, बताएंगे इनकी नौकरी उकरी लग गई। भाई मेरा घर इनके लिए बड़ा लक्की था। बहरहाल तो चलो भैया, चलना नहीं है बैंक उंक, चलो यार हम तो कहीं रहे बड़ी देर। तो फाइनली का ए यहाँ नहीं सूखेगा डैड का स्वेटर, रुक जो रुक जो रुक जो रुक जो पकड़ो। ठीक है दे रहे हैं यार, छींक दी नहीं, सूखेगा नहीं, सूख जाएगा यार ऐसे तो फैला। प्लीज छींके हैं जल्दी, धूप के साइड में फैलाओ। सही कपड़ा ना सूखा दिए तुम लोग जानोगे, सूख जाएगा ना। पता नहीं यहाँ पे टाइम, यहाँ तो धूप ही नहीं आ रही। ये अपने कपड़े हैं, सब अपने कपड़े हैं। हाँ ये दो अपने, अरे सूख जाएगा, सूख जाएगा। यार ये ऐसा फैलाना कि गिरे ना, नहीं गिरेगा रोड रोड पे ना, गंदी हो जाएगी सारी। ये त्रिवेणी का करे हैं छता पे, तो कितना पढ़ते हो यार। अरे अभी तो एक नई लाइब्रेरी खुल गई ना, अभी ये भी खुलवाने वाले हैं। खुल गई क्या? हाँ खुल गई, ये अंकल वाली खुल गई। हाँ अंकल वाली खुल गई, वहाँ चले जाओ। चौधरी अंकल की? अच्छा चौधरी कहाँ खुली है? जो एनसी का मेडिकल स्टोर है, वही वाले उन्होंने खोला है। वहाँ पे भी किताबें भी मिल जाएंगी। कितनी लाइब्रेरी खुल रही है यार रायबरेली में? हाँ जाते भी है लोग, पूरी खोल है हमारे, मजा आती है। लड़के नहीं आते, मजा नहीं आती। हाँ
पेमेंट कर देंगे, आएंगे नहीं, 10 सीट में से 2 आते हैं खाली। तो फायदा क्या, मतलब पैसे बर्बाद करें मां बाप की, सब घर वाले आते, पैसा है ही नहीं, पैसा बर्बाद है, इसीलिए तो मैं अपने बच्चों को ये सब काम कभी नहीं। तो यहाँ पे आ गई हूँ शॉपिंग करने, और चेहरा देख के आपको पता चल रहा होगा कि मैं काफ़ी थकी हुई हूँ। इसका रीज़न ये है कि वाकई मैं बहुत देर से मार्केट में टहल रही हूँ, जो चीज़ मुझे चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, मतलब जो मुझे चाहिए जिस तरीके से फैब्रिक चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। और काफ़ी कुछ हमने वहाँ पे कैमरे में कुछ नहीं शूट किए, फाइनली रात हो चुकी है आप देख सकते हैं, और मैं कुछ भी आज नहीं शूट कर पाई, पूरा दिन ख़राब हो गया मेरा। और अभी एक मॉल में आए हैं जहाँ पर पति देव के कपड़े लेने हैं, तो आपको हम दिखाते हैं कि कहाँ आए हैं। तो यहाँ पे आए हैं, यार पूरा दिन मेरा ख़राब हो गया है आज, मुझे क्या बताऊँ ना, शॉपिंग करना भी अपने आप में एक चैलेंज है, ये इस बात सही है, हर वक्त हर चीज़ हर समय जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ नहीं मिल पाती है। चलो यहाँ पे भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। जानते हैं कभी कभी कोई कोई दिन बहुत फ्रस्ट्रेशन वाला निकलता है, मतलब कभी कभी तो हम जो चीज़ सोचते हैं वो चीज़ फटाक से मिल जाती है, फिर कभी कभी पूरा पूरा दिन जो हो जाता है, मेरा आज कोई काम नहीं हुआ, आज सेकंड सैटरडे था, बैंक बंद थी, अकाउंट से पैसे नहीं निकले, बहुत कुछ गड़बड़ सड़बड़ हुआ है आज मेरे साथ। घर पे पहुँच के मैं आपसे बताती हूँ कि क्या हुआ है मुझसे। चलो अभी तो इनका शॉपिंग करवा दें, उसके बाद बताते हैं आपको। कोई समझ में आ रही है? नहीं अच्छा लगेगा यार, मजा नहीं आएगी। ऐसी पूछ लो कि यार टाइम ना वेस्ट को, पूछ लो कि यहाँ डबल एक्स कहाँ लगा हुआ है। जेंट्स का कपड़ा खरीदना तो और भी मुश्किल काम है। यहाँ पे ज्यादा कुछ इनको भी नहीं समझ में आ रहा है, और अभी पति देव एक चेक कर रहे हैं यार कि कुछ समझ में आ जाए, बस हम लोग के पास समय बहुत ज्यादा कम है, और थकान तो इनके चेहरे से भी दिख रही है पूरी तरीके से। चलो इसे डाल के देखना, जैकेट के ऊपर डालोगे क्या? नहीं, जैकेट लेना। ऐसे उतार लो, देखो इनके लिए ड्रेसिंग रूम बना ही नहीं है ऐसे लोगों के लिए। ठीक है यार, बैकग्राउंड म्यूजिक है, कॉपीराइट क्लेम आएगा यार। तो फाइनली गाइज एक इन्होंने शर्ट पसंद कर ली है, फाइनली एक ही मिल पाई है। हाँ, ढूंढने की बहुत कोशिश की जा रही है लेकिन मिल नहीं, बस साइज का इशू, चेक वगैरह, डबल एक्सल। अच्छी लगेगी मेरे ऊपर? 30%। अरे सस्ती हो, सब अच्छी लगेगी, ले सोने के बाद 5 महीने। देख रहे हो कैसे बात करते हैं मॉल में लोग, मॉल में सज बज के आते हैं, मतलब जो जितनी भी टूटी फूटी इंग्लिश होती है सब सब बोलते हैं मॉल में आने के बाद, लोग स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। तो जो खरीदने के पर्पस से आते हैं वो खरीदने के पर्पस, जो देखने के पर्पस से, तो सच क्या होती है, हेयर स्टेट टू स्टेट करा के। मतलब तुम लड़कियों को टारगेट कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, हेयर स्टेट तो लड़की करा के आएंगी ना, लौंडे का 3 लौंडो लोगों का 3 या 4 स्टाइल ना। तो अभी और कपड़े लेते हुए, जो चाहे यार मिला नहीं भाई, क्या बताएं, वो यार वही पर्पल वाली अच्छी लग रही है, जाती कभी कभी। तो साइज छोटी करो ना अपनी। अरे यार साइज का छोटी करें, ये देखो 250 रुपए, पेट निकला हुआ है, कम फैशन हरदम, इसी में ढूंढो ये सब। तो फाइनली यहाँ पे पेमेंट हो रहा है, और पेमेंट करने के बाद हम लोग निकल रहे हैं दूसरे मॉल, और बस यहाँ पे निकल जा रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा वीडियो नहीं शूट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक चल रही है, और म्यूज़िक चलने का मतलब है कि YouTube चैनल पे कॉपीराइट क्लेम और पैसा एक भी नहीं आना। और फाइनली पे भी हम लोग आ गए हैं दूसरे मॉल में, वहाँ पे आधी अधूरी शॉपिंग हुई है, सब कुछ इनको पसंद फिर से नहीं आया, अब सेकेंड मॉल में आ रहे हैं सिटी कार्ड। अब देखते हैं पति देव के यहाँ पे भी कपड़े मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं। भैया बहुत परेशान हो गए हैं, सच बता रहे हैं, लगता है रात में 10 बजे तक जब तक मॉल वाले मार के भगा नहीं देंगे ना, तब तक हम लोग की शॉपिंग चलती ही रहेगी। रात भर शॉपिंग करो, नहीं मिल रहा सामान, उसके बाद क्या कहते हैं, 4 बजे निकल जाओ। सही बात है, पहचान रहे हो क्या भाई? 50% है। अच्छा भैया, तो यहाँ पे सिटी कार्ड पे आ गए हैं, थोड़ा बहुत बहुत थके हारे, हाँ ऑफर है शायद खरीद ही लें कुछ, साइज भी तो नहीं है ना, साइज का इशू है, साइज का बहुत ज्यादा इशू चल रहा है यार, अब मुझे डाइटिंग करनी पड़ेगी इसके लिए। यहाँ पे देखो यशा, यहाँ पे देखो सारी शर्ट, यार सारी कलर तो तुम्हारे पास है नहीं, ये सारे कलर मेरे पास है, येलो कलर,
इनके पास लगभग लगभग सारे कलर के शर्ट है। ये देखो ये मेहंदी कलर नहीं, ये बहुत लाइट है, ये ये साइज नहीं है, ये एल साइज है। ओ क्या करें यार, कुछ भी नहीं मिल पा रहा यार, अब मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ पे शर्ट ही नहीं मिल रही। इतने मॉल टहल चुके ना, इतना तो कपड़े के लिए मैं परेशान नहीं होती जितना मैं अपने पति देव के लिए परेशान होती हूँ। ले ले लेते हैं, हाँ यही ज़्यादा ज़रूरी है। चलो यार टाइम ना वेस्ट हो रहा, फटाफट काम करो। चलो फिर यहाँ नहीं, अरे देखो होगा कहीं ना कहीं तो। कहाँ है कलर चाह रहे हैं, सारी कलर शर्ट के कलर है, ऊपर साइज भी तो नहीं है यहाँ पे एल। ये भैया तो फाइनली फ्रेंड्स हम मेरा यहाँ पे हम नाकाम हो गए हैं, यहाँ हमारे साइज की नहीं मिली। इशू था केवल साइज का, कलर बहुत सारे कलर ऑप्शन थे लेकिन कलर जितने ऑप्शन थे वो सारे मेरे पास से पहले थे, इसलिए हम लोग जा रहे हैं फिर से नई राह पे। अब कहाँ चलेंगे, ये कहाँ जा रहे हैं, अब वी कार्ड वी टू कार्ड में एक और दिखाया देखिए, अब ये देखिए यहाँ भी ट्राई करते हैं, देखते हैं यहाँ पे मिल पाता है। अब वी टू कार्ड जा रहे हैं, लोगों का लोगों की इतिहास गवाह है कि लोगों की पत्नी परेशान करती है, इतिहास गवाह है। और यहाँ पे मेरा पति मुझे परेशान करता है कपड़े खरीदने में, मेरे साइज तो मिलता ही नहीं, बहुत तगड़ा है जो कि इतने मोटे नहीं है, फिर भी इतिहास गवाह है, लोग अपनी पत्नी से परेशान है, मेरा पति ही नहीं। कहाँ से पूछना है साइज है, यहाँ तो ट्रिपल एक्सल है। हाँ तो यहाँ पे साइज मिल जाएगा, चलो फिर यहीं से ले लो फटाफट, बस कलर मिल जाए बस। ये वाइट मत लो यार, वाइट वाइट नहीं, वाइट बहुत वाइट तो अभी सचिनी बेहरा से मिल गया है। चलेगी क्या ये, देखो इस टाइप के कलर डिजाइन चलेगा, इसे नहीं अच्छा लगता ना तो मुझे कलरफुल क्यों नहीं दिखाई पड़ती मेरे साइज में। इधर भी लगा है यशी, यहाँ पे देखना ये डबल एक्सेल वगैरह साइज, ये साइज देखो इस तरह चलेगा, कहाँ है आ रहे कहाँ, अच्छी लग रही है तुमको, हमें तो नहीं अच्छी लग रही है। आ? कलर देखो ये अच्छा लग रहा है, ऐसे ऐसे कपड़े रखने तो बहुत कपड़े घर में पड़े हैं यार। फाइनली गाइस निराशा हाथ लग गई, असफलता हाथ लगी, और थोड़ी बहुत सफलता भी लगी, थोड़ी असफलता लगी, फिर भी थोड़ी सी आज जगी थी यार, लेकिन फिर बुझ गई वो एकदम, मतलब दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। अब हम जा रहे हैं दूसरे, फिर से एक बार थोड़ा सा इनको और परेशान करते हैं अपने दुल्हन को, यार चलते हैं दूसरे मॉल, एक बचा हुआ है, कौन बचा है, कौन बचा है, अभी विशाल भी चलोगे, चलते हैं क्या करें, शायद मिल जाए उम्मीद की किरण। देखो ये क्रॉप टॉप अच्छा मिला है, ये गोल्डन वाला, ये देखो एक नई इमारत देखने मिली है विशाल भाई का माल, नई मंजिल, नई मंजिल, अब लोग वहाँ पर भी एक बार ट्राई करेंगे शायद, उम्मीद की किरण उनको उसको क्या कहते हैं, डूबते हुए तिनके का सहारा है, तो इस बार यहाँ पर भी ट्राई करके देखते हैं कि मिल जाएगा तो ठीक है, अच्छी बात है, हम भी साथ लेंगे थोड़ा सा। ये मेरे सब्सक्राइबर हैं और ये मुझे मिल गए हैं, तो काफी एक्साइटेड हमको लेकर किए हैं, ज्यादा परेशान हो गए थे हम तो यहाँ पे आए हुए मॉल में, और भैया को मैंने डायरेक्ट पकड़ लिया, ये यहाँ पे है, ढूंढना ना पड़े हमको कहाँ है, तो डबल एक्सल शर्ट के लिए चलते हैं। और ये देखो ये भी परेशान है काफी, मैं तो एकदम परेशान हूँ, मेरी शक्ल से ही पता चल रहा है, सब्सक्राइबर मिलते होंगे तो मुझे शर्म आती होगी, शर्ट मैं बाल देंगी भाई, ये टी शर्ट है, घर पे आपको बताते हैं हुआ क्या, और क्या बोलो यार, ये ग्रे कलर का कुछ अच्छा लग रहा था देखने में, चलो अच्छा भागा कोई दिक्कत नहीं है, और क्योंकि काफ़ी रात हो गया है, देखो कितना रात हो गया है, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, घर पहुँचो सबसे पहले, नहीं तो आज मम्मी ना, तो आज तो पक्का मम्मी मार ही गिराएंगी हम दोनों लोगों को, घुसने नहीं देंगी आज। आ गए हम लोग यहाँ पे घर पे, और यहाँ पे पति देखो भूख लग गई है, और यहाँ पे खा रहे हैं बिस्किट, रुको यार। और आप लोग बताइए कौन किसको किसको ये वाला बिस्किट पसंद है, इतना बड़ा वाला, हम लोग कॉलेज में रहते थे तो कॉलेज के बाहर मिलते थे ऐसे, तुमको पता है वो होटल में खास करके जब चाय पीने जाओगे तो ये वाला। चलो आज ये बहुत ज्यादा परेशान किए, बहरहाल इनका थोड़ा बहुत कपड़ा आ गया है खरीद करके,
और पहला पहला इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जिसका पति इतना परेशान, मेरे पति देव बहुत ज्यादा परेशान करते हैं यार, पता नहीं कौन सा कपड़ा इनको पसंद आता है, मुझे नहीं समझ आता है। बहरहाल हो चुकी है, पति परेशान होते हैं अपनी पत्नियों से, लेकिन आज हमारी पत्नी परेशान हो गई अपने पति से। हम कभी नखड़ा नहीं करते, हमारे पास जो रहता है ना, मैं 200 रुपए की भी साड़ी पहन के घूमती हूँ, पर तुम ही लोग का नखड़ा रहता है, कपड़ा मिलता ही नहीं, बदनामी और सोशल मीडिया पर रहते हैं कि अपने पति के लिए कुछ खरीद दिया करो। सही बात है, नहीं मिलता तो कहाँ पहन लें, खरीद लेते हैं, जब एक बार कहीं मिलता है तो हम इकट्ठा खरीद लेते हैं ढेर सारे, उसी को पहनते रहते हैं उसको। चलो फाइनली गाइस ये ब्लॉग अभी यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और कुछ कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। थैंक यू।